हेलो एवरीवन, वेलकम। नाउ वी विल स्टडी द सब्जेक्ट रिसेंट एडवांसेस ऑफ डीआरटी पार्ट सेकंड। रिसेंट एडवांसेस में लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था जिसका नाम था जीरो रेडियोग्राफी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मींस जिसका नाम है मेमोग्राफी। वैसे आपका जो मेमोग्राफी का टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर में भी आता है, फर्स्ट ईयर में भी, दैट मींस डीआरटी पार्ट फर्स्ट में, तो वहाँ पे भी आपने डिस्कस किया होगा। बट यहाँ पे एक बार दोबारा से इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि डीआरटी पार्ट सेकंड की अगर अपन बात करें, तो डीआरटी पार्ट सेकंड के दो सब्जेक्ट में अपने मेमोग्राफी है। एक अपना स्पेशल रेडियोग्राफी, उसमें भी मेमोग्राफी नाम से एक सिलेबस के अंदर अपना टॉपिक लिखा हुआ है, और रिसेंट एडवांसेस में भी अपना मेमोग्राफी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर दोनों चीज़ सेम है, सबसे पहले वो चीज़ समझते हैं। तो जैसा कि आपकी जो रिसेंट एडवांसेस जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादातर मशीन्स के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे अपन ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े सब में मशीन्स के बारे में डिस्कस किया, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, दैट मींस अपनी सीटी, एमआरआई, जितने भी आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो मशीन्स के बारे में कर रहे हो। और स्पेशल रेडियोग्राफी में दैट मींस रेडियोग्राफी पोजिशनिंग, वहाँ पे रेडियोग्राफी के बारे में आप डिस्कस करते हो। तो डिफरेंस इतना ही है कि रिसेंट एडवांसेस में आप मेमोग्राफी की मशीन के बारे में डिस्कस करते हो, दैट मींस मशीन का जो भी पार्ट है उसके कंपोनेंट्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, वो टॉपिक आपका रिसेंट एडवांसेस में आता है। और बाद में मेमोग्राफी जब आप करते हो तो मेमोग्राफी के लिए आप कौन कौन से व्यू करते हो, क्या क्या पेशेंट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, वो सारी कंडीशंस आती हैं आपकी, या फिर वो सारे टॉपिक्स आते हैं आपके स्पेशल रेडियोग्राफी में। तो दैट मींस मशीन्स आएंगी रिसेंट में और व्यूइंग कंडीशन आएगी आपकी स्पेशल में। तो स्पेशल के अंदर हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, वहाँ पे अपन ने ये टॉपिक छोड़ के चले थे ताकि हम रिसेंट में पढ़ेंगे। रिसेंट के अंदर आज हम मेमोग्राफी की, दैट मींस अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन लास्ट के अंदर जो व्यूइंग कंडीशन है, दैट मींस जो स्पेशल रेडियोग्राफी का टॉपिक है, वो भी अपन यहीं रिसेंट एडवांसेस में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपन मेमोग्राफी की अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, मेमोग्राफी, ग्राफी दैट मींस यहाँ पे आप एक्सरे का डायग्नोसिस कर रहे हो, ठीक है। मेमो, मेमोरी ग्लैंड, दोनों वर्ड को जब आप अलग अलग करके समझते हो तो पता चलता है यहाँ पे मेमो मेमोरी ग्लैंड्स के लिए काम में लिया गया है, और ग्राफी रेडियोग्राफी से उठा गया है। दैट मींस मेमोरी ग्लैंड्स की जो भी रेडियोग्राफी होती है उसको आप मेमोग्राफी कहते हो। अब मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती है, ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट टिश्यू का हम दूसरा जो मेडिकल वर्ड होता है उसको अपन बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ग्लैंड्स, आपको पता है ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं, यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, मिल्क का सीक्रेशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड की, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड की जो भी रेडियोग्राफी होती है उसको आप मेमोग्राफी कहते हो। तो अब अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेमोग्राफी इज़ द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट टिश्यू, दैट मींस कि मेमोग्राफी एक ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, या फिर अपन बात कर सकते हैं कि बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग, स्पेशल बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको एक स्पेशल नाम दिया है। दैट मींस कि मेमोरी ग्लैंड्स या फिर ब्रेस्ट टिश्यू का कोई भी जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होगा वो आपका क्या कहलाता है, मेमोग्राफी कहलाता है। इट इज़ अ प्रोसीजर टू इवेलुएट द अर्ली स्टेज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर एंड एनी सस्पेक्टेड लंप, लेजन और सिस्ट। दैट मीन्स कि ये प्रोसीजर अपन क्यों करते हैं, बिकॉज आपको एक आंकड़ा आज का बताता हूँ मैं आपको, कि इस वक्त एट प्रेजेंट ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज़्यादा जो फीमेल्स के अंदर डिजीज कंडीशन पाई जाती है वो है आपकी ब्रेस्ट कैंसर। सबसे ज़्यादा इस वक्त ये बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, अर्ली स्टेज, दैट मीन्स उसकी जो स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है, स्टार्टिंग की स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो लगभग जो फीमेल्स अबोव 40 या 45 या पर अपन 50 मान के चलते, 40-45 से अबोव जो भी फीमेल्स होती है उनकी फिर स्क्रीनिंग करानी बहुत ज़रूरी होती है ब्रेस्ट टिश्यू की, बिकॉज उसके बाद में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इस वक्त एट प्रेजेंट ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जो कि फीमेल्स में सबसे ज़्यादा पाई जा रही है, ठीक है। तो दैट मींस ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए अपन ये चीज़ें, दैट मींस ये प्रोसीजर करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इज़ मोर एसोसिएटेड विद द फीमेल्स ऑफ द एज ऑफ ओल्डर ऑफ 50 ईयर्स, दैट मींस कि ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर जो फीमेल्स 50 ईयर्स से अबो चली जाती है उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। इन अ मेमोग्राफिक प्रोसीजर वी इवेलुएट
अब अपन बात कर रहे हैं कि मेमोग्राफिक प्रोसेसर में हम क्या क्या चीज़ें इवेलुएट करेंगे। एरियोलार टिश्यू, मिल्क डक्ट्स, ब्लड वेसल्स, ग्लैंडुलर टिश्यू, कैल्सिफिकेशन एंड अबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ। दैट मीन्स जैसा कि जितने भी टिश्यूज़ हैं उनके बारे में आप यहाँ पे पता लगा लोगे, मिल्क डक्ट्स के बारे में पता लगा लोगे, ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पे पता लगा लोगे। तो दैट मीन्स ये प्रोसेसर आपके नॉर्मल जो एक्सरे होते हैं उससे थोड़ा अलग होगा। ये चीज़ तो आपको यहाँ पे समझ में आ रही है, बिकॉज नॉर्मल एक्सरे में अपने पास दो ही चीज़ें दिखती है, एक तो सॉफ्ट टिश्यू दिखता है और एक बोन दिखती है। दैट मीन्स मेनली आप बोन और सॉफ्ट टिश्यू को डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो करते हो। और ज़्यादातर अगर अपन बात करें जो आपका मेनली जो एक्सरे प्रोसेसर होता है वो बोन के किसी भी डिजीज कंडीशन होती है उनको देखने के लिए या फिर अबनॉर्मलिटी को देखने के लिए किया जाता है। बट यहाँ पर आपके पास बोनी पार्ट नहीं है, ओनली क्या है, सॉफ्ट टिश्यू। और सॉफ्ट टिश्यू में भी आपको क्या क्या देखने हैं, एरियोलार टिश्यू देखनी है, मिल्क डक्ट्स दिखनी है, ब्लड वेसल्स भी देखना है, ग्लैंडुलर टिश्यू दैट मीन्स ग्लैंड्स भी आपको यहाँ पे देखनी है, कैल्सिफिकेशन भी देखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ हो रही है तो वो भी देखनी है। तो आपको ये चीज़ें पता चल रही है कि यहाँ पे आप किसकी इमेजिंग करो, टिश्यू की इमेजिंग करो। टिश्यू की इमेजिंग करने के लिए दैट मीन्स ये प्रोसेसर आपके नॉर्मल एक्सरे से थोड़ा अलग होगा, और अलग है इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इसको हम नॉर्मल एक्सरे के अंदर इंक्लूड कर सकते थे। अब होता क्या है कि आपको पता है कि जो एक्सरेज होती है जब अपन नॉर्मल एक्सरे करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सॉफ्ट टिश्यू से जितनी भी एक्सरेज होती है वो पेनिट्रेट होकर आपकी कहाँ पे जाती है, फिल्म पे जाती है। दैट मीन्स सॉफ्ट टिश्यू की आपके पास क्या आती है, बहुत कम इमेज आती है। और बोन से अगर वो जाती नहीं है, बोन उनको रोक लेती है, तब वो क्या हो जाती है, बोन की इमेज आपके पास वहाँ पे आ जाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जितनी भी एक्सरेज होंगी वो सारी की सारी पेनिट्रेट होकर जाएंगी। दैट मीन्स अब आपको इमेज भी लेनी है। तो इसके लिए जो स्पेशल कंडीशंस होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर द रेडियोग्राफी ऑफ ब्रेस्ट वी नीड अ वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग। जैसा कि मैंने आपको बात की है कि यहाँ पे केवल आप सॉफ्ट टिश्यू की रेडियोग्राफी कर रहे हो, तो आपको इमेजिंग कंडीशंस दैट मीन्स इमेजिंग के जो इक्विपमेंट्स होंगे वो ऐसे होने चाहिए कि आपकी इमेजिंग का रेजोल्यूशन हाई हो, दैट मीन्स उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ताकि ये चीज़ें आप डिफ्रेंशिएट कर सको। वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग इक्विपमेंट्स टू डिटेक्ट इवन वेरी स्मॉलर कैल्सिफिकेशन, दैट मीन्स कि छोटे से छोटे कैल्सिफिकेशन को डिटेक्ट करने के आपको हाई रेजोल्यूशन की इमेजिंग के इक्विपमेंट्स वहाँ पे चाहिएंगे, ठीक है। एंड विच कैन प्रोवाइड अ हाई स्पेटियल रेजोल्यूशन, एंड एज वी नो दैट फॉर द रेडियोग्राफी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू वी नीड मोर नंबर ऑफ एक्सरेज फोटोन विद लेस पेनिट्रेशन पावर। दैट मीन्स इन्होंने ये बताया आपको कि आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। जब तक इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप डक्ट्स टिश्यूज दैट मीन्स ग्लैंडुलर टिश्यू या फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में, एरियोलार टिश्यू के बारे में, ये सब अपन अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। और इमेज क्वालिटी को अच्छा करने के लिए यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे कंपैरिजन टू द नॉर्मल एक्सरे रेडियोग्राफी। वो क्या होगा, वी नीड मोर नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स विद लेस पेनिट्रेशन पावर। दैट मीन्स कि जो एक्सरे फोटोन्स आ रहे हैं उनकी संख्या तो क्या हो, ज़्यादा हो, और उनकी पेनिट्रेशन पावर क्या हो, कम हो। तो ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं, ओवरऑल वी कैन से दैट फॉर द रेडियोग्राफी ऑफ ब्रेस्ट हाई MA एंड लो KVP इज़ रिक्वायर्ड। दैट मीन्स कि MA तो आपका ज़्यादा होना चाहिए और KVP कम होना चाहिए। अब इस चीज़ को आराम से समझना, सबसे पहले अपन बात करते हैं MA और KVP की यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स MA का क्या काम होता है और KVP का क्या काम होता है। MA मिली एम्पियर जो कि फिलामेंट में लगाया जाता है। फिलामेंट में अगर आप MA लगाते हो तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अगर आप ज़्यादा MA लगाओगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब जितने इलेक्ट्रॉन जाके आपके टारगेट पे टकराएंगे उतने ही एक्सरेज निकलेंगे। दैट मीन्स MA आपका डायरेक्टली रिलेट कर रहा है नंबर ऑफ एक्सरेज से, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन से, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन KVP की। KVP पूरी ट्यूब सप्लाई पे लगाया जाता है, दैट मीन्स वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है। अगर आप KVP कम लगाओगे तो वो कम स्पीड से टकराएंगे, और अगर आप KVP ज़्यादा लगाते हो तो वो ज़्यादा स्पीड से टकराएंगे। जैसा कि आपको पता है कि एनोड पे अगर वो कम स्पीड से टकराते हैं तो आपके पास कम एनर्जी के एक्सरे मिलेंगे, और अगर ज़्यादा स्पीड से टकराते हैं तो ज़्यादा एनर्जी के एक्सरेज मिलेंगे। दैट मीन्स KVP डायरेक्टली रिलेट कर रहा है एनर्जी से, ठीक है। तो दोनों चीज़ समझ में आई, MA रिलेट करता है नंबर ऑफ एक्सरेज से, और KVP यहाँ पर रिलेट कर रहा है एनर्जी से। और जैसा कि अभी अपन ने यहाँ पे ऊपर पढ़ा है कि अपने को एक्सरे फोटोन्स के नंबर्स तो ज़्यादा चाहिए बट उनकी पेनिट्रेशन पावर कम चाहिए, दैट मीन्स उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए और नंबर ज़्यादा होने चाहिए। तो इसके लिए हम वहाँ पे MA कम रखेंगे और KVP ज़्यादा रखेंगे। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि अपने को इमेज क्वालिटी हाई करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा क्यों चाहिए और
एनर्जी उनकी कम क्यों चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे कि एनर्जी अपने को कम क्यों चाहिए। अगर वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, अपन ऑपोजिट कंडीशन यहाँ पे लेके चलते हैं। अगर यहाँ पे एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा हुई तो सारी के सारी एक्सरेज आपकी क्या करेंगी, ब्रेस्ट टिश्यू में से पेनिट्रेट होके, दैट मीन्स उसको भेद के सीधी कहाँ पे चली जाएंगी, आपकी फिल्म पे चली जाएंगी। दैट मीन्स कि आपके जो सॉफ्ट टिश्यू है उसकी इमेजिंग आपको फिल्म पे नहीं मिलेगी, बिकॉज उनकी एनर्जी हाई थी और वो सारी के सारी पेनिट्रेट होके आपकी फिल्म पे चली गई, ठीक है। इसलिए दैट मीन्स कि जब तक एक्सरेज या फिर जो रेडिएशन है वो सॉफ्ट टिश्यू के द्वारा रोकी नहीं जाएंगी तो उनकी इमेज कैसी आएगी। इमेजिंग के अंदर आपको पता है यही प्रोसीजर होता है, जहाँ जहाँ पे आपकी एक्सरेज रुकती है वहाँ पे आपकी वाइट इमेज मिलती है, और जहाँ पे एक्सरेज डायरेक्ट आके पेनिट्रेट कर जाती है वहाँ पे आपको ब्लैक इमेज मिलती है। तो दैट मीन्स अगर एक्सरेज की एनर्जी हाई होगी तो सॉफ्ट टिश्यू की इमेज आपको एकदम वहाँ पे ब्लैक मिलेगी, इसलिए हम यहाँ पे लो एनर्जी रखते हैं। अब अपन बात करते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स अपने को ज़्यादा क्यों चाहिए। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेके चलो, एक फिल्म है जिसके ऊपर आपने 100 नंबर ऑफ फोटॉन्स गिराए एक्सरे के, तो वहाँ पे क्या होगा, केवल 100 AZBR के क्रिस्टल ही क्या होंगे, आयोनाइज होंगे। फिल्म की साइज़ वही है, फिल्म वही है, उसमें ग्रेन भी उतने थे। अब उसमें कितने हुए, केवल 100 ही आयोनाइज हुए और 100 ही प्रोसेसिंग में जाएंगे, दैट मीन्स ठीक है। दूसरा आपने क्या किया, वहाँ पे 500 एक्सरे फोटॉन्स गिरा दिए, अब उसी फिल्म में क्या होगा, 500 जो AZBR के क्रिस्टल्स हैं वो आयोनाइज होंगे और प्रोसेसिंग के वक्त 500 ही वहाँ पे काम में आएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इमेज कंटेन कौन करता है, इमेज बनाता कौन है, AZBR के क्रिस्टल्स बनाते हैं। तो जितने ज़्यादा AZBR के क्रिस्टल्स आयोनाइज होंगे उतनी ज़्यादा आपको वहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी, दैट मीन्स रेजोल्यूशन हाई मिलेगा, बिकॉज पास पास के जो AZBR के क्रिस्टल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। दैट मीन्स कि इमेजेस के रेजोल्यूशन की अगर अपन बात करें, पिक्सल्स की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे आपको जो इमेजिंग क्वालिटी है वो अच्छी रखनी है, बिकॉज आपको मिल्क डक्ट्स टिश्यूज़ के बारे में पता लगाना है, तो ऑब्वियस सी बात है इन सब के बारे में, दैट मीन्स इमेज क्वालिटी को हाई रखने के लिए आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे। आई बात समझ में दोनों, नंबर ऑफ फोटॉन्स अपन ने ज़्यादा क्यों किए, बिकॉज अपने को इमेज क्वालिटी हाई करनी है, ठीक है। और एनर्जी अपन ने कम क्यों की, ताकि अपनी सॉफ्ट टिश्यू की इमेजिंग हो सके, अदरवाइज वहाँ पे ब्लैक इमेजिंग आएगी। और इन सब को करने के लिए अपने क्या करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज़ करने के लिए हम MA को इंक्रीज़ करेंगे, और एनर्जी को कम करने के लिए हम KVP को, दैट मीन्स अप्लाइड KVP को यहाँ पे कम करेंगे। The various tissue of breast such as areolar tissue, milk duct, blood vessels, glandular tissue calcification does not have any major differences in their linear attenuation coefficient. So we need a high filtration technique to make the beam homogeneous. जैसे कि अभी आपको बता चला कि यहाँ पे सारे टिश्यूज हैं, तो इनका जो अटेन्यूएशन कोफिशिएंट है, सबसे पहले अपन बात करते हैं अटेन्यूएशन कोफिशिएंट होता क्या है। मैंने पढ़ा रखा आपको, अपन ने अटेन्यूएशन कोफिशिएंट के बारे में अल्ट्रासाउंड में भी बात की थी, CT में भी बात की, अटेन्यूएशन कोफिशिएंट दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग, ठीक है। कितना अगला जो मटेरियल है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना स्कैटर कर रहा है, वो क्या होता है आपका अटेन्यूएशन कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे अगर अपन अटेन्यूएशन कोफिशिएंट की बात करें, किसकी, एरियोलार टिश्यू, मिल्क डट, ब्लड वेसल्स, ग्लैंडुलर टिश्यू कैल्सिफिकेशन, तो ये सब क्या है, सॉफ्ट टिश्यू है, दैट मीन्स लगभग सेम है इनकी डेंसिटी। इनके डेंसिटी सेम होने के कारण क्या होगा कि इनके अटेन्यूएशन कोफिशिएंट में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। भी ऑब्वियस सी बात है, अटेन्यूएशन कोफिशिएंट में डिफरेंस कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे डेंसिटी का डिफरेंस होगा, डेंसिटी का यहाँ पे डिफरेंस है नहीं, दैट मीन्स लगभग सारे सेम है, सॉफ्ट टिश्यू है, तो यहाँ पे भी आपका जो अटेन्यूएशन कोफिशिएंट है वो क्या नहीं मिलेगा आपको, अलग नहीं मिलेगा। और जब तक अटेन्यूएशन कोफिशिएंट अलग नहीं होगा आपके पास इमेजिंग नहीं आएगी, सारी इमेजिंग, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है कि इनका अटेन्यूएशन कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो इस वजह से अब आपको जो आपकी मेमोग्राफी के लिए जो आप एक्सरेज काम में ले रहे हो, जो बीम काम में ले रहे हो, वो आपकी होमोजीनियस होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो हेट्रोजीनियस होगी तो हेट्रोजीनियस होने से क्या होगा, इमेजिंग कंडीशन नहीं हो पाएगी। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस जहाँ पे अलग अलग एनर्जी की एक्सरे, हेट्रो अलग अलग की बात करता है और होमो एक समान, ठीक है। यहाँ पे अपन एक्सरे की एनर्जी से बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी एक्सरे बीम आ रही है उसमें जो एक्सरे फोटोन्स है अगर वो अलग अलग एनर्जी के, तो वो बीम कहलाती है हेट्रोजीनियस बीम, और वो बीम जिसके अंदर एक्सरे फोटॉन्स सारे सेम एनर्जी के हैं तो वो आपका कहलाता है होमोजीनियस।
अब अपने को होमोजीनियस की ज़रूरत पड़ी क्यों, इसका एग्जांपल अपन लेके चलते हैं कि अपने पास क्या होगा। अपन मान के चलते हैं ऑपोजिट कंडीशन के, अपने पास हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस में अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 40 केवीपी की एक्सरे भी है और आपके पास वहाँ पे 80 केवीपी की एक्सरे भी है। तो अब होगा क्या कि 80 केवीपी वाली पेनिट्रेट करके चली जाएगी और 40 वाली आपकी इमेजिंग बनाएगी। तो दैट मीन्स जो एक्सरे बीम आप काम में ले रहे हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, आधी एक्सरे बीम तो आपकी इमेजिंग में काम में ही नहीं आई, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि आप ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हो, बट आपको ये भी पता है कि रेडिएशन हार्मफुल होती है, ठीक है, तो कहीं वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर आप क्रिएट ना कर दो। तो दैट मीन्स इमेजिंग कंडीशन को अच्छा करने के लिए, ठीक है, सारी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनकी डिफरेंस, दैट मीन्स उनका डेंसिटी डिफरेंस को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सरे की बीम को होमोजीनियस करना होगा। और एक्सरे बीम को होमोजीनियस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरे बीम के पाथ के अंदर फिल्ट्रेशन लगाना पड़ेगा। अब बीम को होमोजीनियस करना है तो ऑब्वियसली बात है फिल्ट्रेशन टेक्निक भी वहाँ पर आपको अच्छी लगानी पड़ेगी। ए मेमोग्राफिक फिल्म इज़ कंसिडर्ड एज मेमोग्राम, दैट मीन्स कि मेमोग्राफी की फिल्म क्या कहलाती है, हमेशा मेमोग्राम कहलाती है। तो ये जो नाम है मेमोग्राम, इसको भी ध्यान में रखना अच्छे से, बिकॉज़ कई बार क्वेश्चंस के अंदर मेमोग्राम के नाम से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि मेमोग्राम का प्रोसीजर क्या होगा, मेमोग्राम के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए। तो इस वजह से इस चीज़ को ध्यान रखना कि मेमोग्राफी की जो फिल्म होती है उसको आप मेमोग्राफ बोलते हो, नॉर्मल जो रेडियोग्राफी की जो फिल्म होती है उसको आप क्या बोलते हो, रेडियोग्राफ बोलते हो, या फिर स्काईग्राम, उसका भी ध्यान रखना, उसको स्काईग्राम भी बोला जाता है। नॉर्मल पोजीशनिंग के अंदर आप पोजिशन जो भी आप इमेजिंग लेते हो किसी भी बॉडी पार्ट की, उसकी जो आपको इमेज मिलती है उस इमेज को या तो रेडियोग्राफ बोलते हैं या स्काईग्राम बोलते हैं, ठीक है, और मेमोग्राफी वाले को मेमोग्राम। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे इक्विपमेंट्स के, कि अपनी जो मेमोग्राफी की इक्विपमेंट्स है, मेमोग्राफी की मशीन है, वहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट होंगे और किसके बने होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, क्या उनके वर्किंग होता है। तो यहाँ पे अगर इक्विपमेंट्स की बात की जाए, मेमोग्राफी इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ 10 प्रकार के इक्विपमेंट है मेनली यहाँ पे, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपका टारगेट एनोड, सेकंड फिलामेंट, कैथोड। अब जैसा कि अगर अपन यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एक्सरे ट्यूब तो वही काम में लेनी चाहिए, यहाँ पे अपने को तो रेडिएशन है वही तो लो एनर्जी की चाहिए, वो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा चाहिए, तो वो तो अपन उसमें भी कर सकते हैं हाई एम ए, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अपन जो एक्सरे ट्यूब लेते हैं काम में वो भी अपनी स्पेशल होती है, दैट मीन्स वहाँ पे कैथोड और एनोड का मटेरियल चेंज होता है, ठीक है। फिल्टर्स लगाए हमने बीम को होमोजीनियस करने के लिए, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरे कैसेट के बारे में भी, यहाँ पे आपकी एक्सरे कैसेट भी स्पेशल होगी, दैट मीन्स डिफरेंट होगी कंपेरिजन टू द नॉर्मल रेडियोग्राफी। एक्सरे कैसेट, एक्सरे फिल्म दोनों इसी में आ जाएंगी। कंप्रेशन पैडल होगा यहाँ पे, अब कंप्रेशन पैडल एक नई डिवाइस आई है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्रिड, ठीक है, हील इफेक्ट, हील इफेक्ट वही है जो आपको, दैट मीन्स आपने डिस्कस कर रखा है फर्स्ट ईयर के अंदर रेडियोथेरेपी में, और यहाँ पे भी शायद कर रखा होगा सेकेंड ईयर के अंदर रेडियोथेरेपी में, हील इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा अपन बात करें कि हील इफेक्ट अपने को जो देखने को मिलता है वो अपने मेमोग्राफी में ही देखने को मिलता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। कोलिमेशन एंड HVL, कोलिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। HVL हाफ वैल्यू लेयर, रेडिएशन की जो एनर्जी है उनको कम करने के लिए चाहिएगा। अप्लाइड KVP, KVP भी अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उसका भी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज KVP अपन कई बार कम, अपने को कम लगाना होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोलर, और लास्ट यहाँ पे आता है ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। तो यहाँ पे दो चीज़ें मेनली, एक तो डिफरेंट है जिनका नाम अभी, एक तो आपका कंप्रेशन पैडल है और एक है ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपने नॉर्मल रेडियोग्राफी के अंदर पढ़ रखे हैं, बट यहाँ पे हमें इसलिए पढ़ने पड़ेंगे बिकॉज इनका जो मटेरियल होगा वो अलग होगा, दैट मीन्स ये अलग तरीके से बने होंगे, बिकॉज अपनी रेडियोग्राफी क्या है यहाँ पे, अलग रेडियोग्राफी है, दैट मीन्स मेमोग्राफी कर रहे हैं अपन, ब्रेस्ट टिश्यू की रेडियोग्राफी कर रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यू की रेडियोग्राफी कर रहे हैं, जहाँ पे आपको MA तो ज़्यादा चाहिए और KVP कम चाहिए, दैट मीन्स नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स ज़्यादा चाहिए और लो एनर्जी की एक्सरेज आपको यहाँ पे चाहिए। तो जैसा कि अगर अपन यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एनोड की, दैट मीन्स टारगेट की, ठीक है, तो अपन ने बात की कि अपने को जो एनर्जी है एक्सरेज की वो क्या चाहिए, कम चाहिए। अब आपको, आपने पता, जब आपने नॉर्मल एक्सरेज ट्यूब पढ़ी थी, हिस्टोरिकल एक्सरे ट्यूब, ठीक है, तो हिस्टोरिकल एक्सरे ट्यूब में क्या देखा था आपने कि जो टंगस्टन है उसको आप काम में लेते हो किसके लिए, एक्सरेज के लिए। अब टंगस्टन क्या करता है,
हाई एनर्जी की एक्सरेस निकालता है, मतलब उसकी जो के शेल बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कंपेरिजन में क्या होगा, वो आपके लगभग मिनिमम 50 kV के आसपास की वो एनर्जी एमिट करेगा। बट मेमोग्राफी में ऐसा नहीं होता, मेमोग्राफी में आपको 30 से 35 की अपन मैक्सिमम मान के चलते हैं। मेमोग्राफी की जो एक्सरे की मशीन होता है वहाँ पे अगर आप केवीपी मैक्सिमम करने लगोगे, कंट्रोल कंसोल पे अगर आप केवीपी मैक्सिमम करते हो तो वहाँ पे केवल 35 मैक्सिमम जाता है, ठीक है, 35 से ज़्यादा नहीं जा पाता है, बिकॉज वो मशीन इसी तरीके से सेट की जाती है। तो यहाँ पे अगर अपन टारगेट की बात करें तो टारगेट भी आपका टंगस्टन का नहीं बना होगा, अब किसका बना होगा वो देखते हैं अपन। For the diagnostic mammography procedure, X-ray tube has designed in such a way so that the target emits with X-ray energy of breast imaging. That means, सबसे पहले इन्होंने बात की यहाँ पे कि जो मेमोग्राफी की एक्सरे ट्यूब का टारगेट है वो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि उसमें से जो एक्सरेज निकल रही हैं वो आपकी ब्रेस्ट की इमेजिंग में काम में आ सके, ठीक है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि आप ब्रेस्ट की इमेजिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि मेमोग्राफी की एक्सरे ट्यूब का टारगेट इसी तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि उसमें से जो एक्सरे निकल रही है वो एक्सरे आपकी ब्रेस्ट इमेजिंग में काम में आ सके। टंगस्टन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ब्रेस्ट इमेजिंग बिकॉज दे इंक्रीज एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। टंगस्टन हम यहाँ पे काम में नहीं लेते हैं, क्यों, कारण क्या है, बिकॉज टंगस्टन में क्या होता है आपको कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा मिलती है और यहाँ पे अपने को एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए, ठीक है। जैसे कि अपन ने ये कहा कि अपन केवीपी कम लगा के क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कम कर सकते हैं, बट अगर आप टंगस्टन गाम में ले रहे हो, आपने केवीपी कम लगाया, केवीपी कम लगाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेलरेशन कम होगा, कम स्पीड से टकराएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि के शेल बाइंडिंग एनर्जी टंगस्टन की ज़्यादा है, अगर आप एक्सेलरेशन कम कर दोगे तो उससे क्या होगा, उतनी एनर्जी की एक्सरेज निकलेंगी ही नहीं, ठीक है। दैट मीन्स कि जो टंगस्टन की मिनिमम है वहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है, अगर आप कम कर दोगे ज़्यादा तो निकलेंगी नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवीपी भी कम करना पड़ेगा और टारगेट भी ऐसा काम में लेना पड़ेगा जो कि कम एनर्जी की एक्सरेज आपको दे। इसके लिए आपको सो दैट इन अ मेमोग्राफी एक्सरे टू मोलिबेडनम एमओ जेड इज इक्वल टू 42 एंड रोडियम RH जेड इज इक्वल टू 45 आर यूज्ड विच एमिट द एक्सरे इन द रेंज विच इज कंपेटेबल फॉर द ब्रेस्ट इमेजिंग। दैट मीन्स कि यहाँ पे अपन टंगस्टन ना काम में लेकर दो प्रकार के टारगेट्स काम में ले सकते हैं, या तो मोलिबेडनम का ले सकते हैं या फिर रोहोडियम का। मोलिबेडनम जिसका एटॉमिक नंबर 42 है और रोहोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 45 है, ये दोनों इस तरह की रेडिएशन आपको यहाँ पे देंगे जो कि आपकी ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए एकदम सूटेबल होगी, एकदम कंपेटिबल होगी। दैट मीन्स ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए वो आपके हेल्पफुल होंगी। फॉर मोलिबेडनम एक्सरे एनर्जीज आर 17.9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 19.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर रोहोडियम एक्सरे एनर्जी आर 20.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 22.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपकी एनर्जीज के बारे में बताया, अगर आप मोलिबेडनम का टारगेट या फिर एनोड काम में लेते हो तो दो प्रकार की यानी दो एनर्जी की आपको एक्सरेज मिलेंगी, 17.9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 19.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप रोहोडियम का एनोड या टारगेट काम में लेते हो तब आपको एक्सरे एनर्जीज मिलेंगी 20.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 22.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेमोग्राफिक एक्सरे ट्यूब्स आर आल्सो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब इन विच टारगेट इज अटैच टू द रोटर। यहाँ पे मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब की डिज़ाइन के बारे में बताया कि मेमोग्राफी की एक्सरे ट्यूब भी कैसी होती है, आपकी रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब जैसी होती है। तो दैट मीन्स ये स्टेशनरी नहीं है, यहाँ पे आपका जो एनोड है वो रोटेट करेगा, रोटेट करने के लिए उसको क्या चाहिए, रोटर चाहिएगा। दैट मीन्स कि आपका जो टारगेट है चाहे वो आपका मोलिबेडनम का हो या फिर रोहोडियम का हो, ये रोटर से अटैच्ड होगा, ठीक है। The edges of the target is beveled to achieve the line focus principle and the effective anode angle in mammography is about 22 to 24 degree. That means कि जो आपकी anode होगा यहाँ पे आप molybdenum का काम में ले रहे हो या फिर rhodium का काम में ले रहे हो, उसके जो edges जो किनारे हैं वो beveled होंगे। That means वहाँ पे angle दिया हुआ होगा किसके लिए, line focus principle को achieve करने के लिए। line focus principle DRT part first में आप discuss कर चुके हो, क्या होता है line focus principle, लाइन फोकस प्रिंसिपल आपको बताता है कि एक्चुअल फोकल स्पॉट ज़्यादा होना चाहिए और इफेक्टिव फोकल स्पॉट कम होना चाहिए, और इन सबको गेन करने के लिए दैट मीन्स ये कंडीशन करने के लिए आप क्या करते हो, एनोड के अंदर एंगल देते हो। दैट मीन्स लाइन फोकस प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, टारगेट के अंदर एंगल देना होगा, और टारगेट में एंगल आप यहाँ पे कितना देते, द इफेक्टिव एनोड एंगल इन द मेमोग्राफी, मेमोग्राफी में एंगल कितना होता है आपका 22 से
24 डिग्री का, ठीक है। तो दैट मीन्स ये अपनी यहाँ पे टारगेट की बात हो गई, एनोड की बात हो गई। आज के लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अब अपन बात करते हैं एक बार मेमोग्राफी की मशीन के इक्विपमेंट्स के बारे में, जहाँ पे अपन ने डिस्कस किया स्टार्टिंग में। हम एक मेमोग्राफी की जो आपकी ट्यूब होती है, सॉरी मशीन होती है, मशीन का एक डायग्राम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिससे आपके जो आगे के जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो उनको डिस्कस करने के लिए डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप मेमोग्राफी की मशीन का डायग्राम यहाँ पे देख लें और बना लें। ये देखिए आप, यहाँ पे आपका मेमोग्राफी मशीन का डायग्राम है। सबसे पहले अपन ने बात की, यहाँ पे ऊपर एक्सरे ट्यूब है, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब हो गई, ठीक है। ट्यूब पॉइंट हो गया, फिल्ट्रेशन आपने बीम को होमोजेनियस करने के लगाया, कोलिमेशन बीम को कोलिमेट करने के लिए। नई डिवाइस अपन ने एक ऐड की थी, कंप्रेशन पैडल आपको दिखाई कहाँ पर मशीन के लगा होता है और इसका काम क्या होता है, वो अपन इसके अंदर जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। इसके नीचे आपकी ग्रिड आ गई, ग्रिड के नीचे स्क्रीन और फिल्म, दैट मीन्स कैसेट आ गई यहाँ पे। कैसेट के अंदर दोनों चीज़ें होंगी, एक स्क्रीन और एक फिल्म, ठीक है। उसके बाद में आपके नीचे फोटो टाइमर डिटेक्टर्स आ गए। तो ये नॉर्मल आपका लाइन डायग्राम है, दैट मीन्स गैंट्री का डायग्राम है केवल ये, ठीक है। ये आपके यहाँ पे जो आप देख रहे हो पीछे एक गैंट्री है, ये अटैच रहेगी स्टैंड से, ठीक है। और स्टैंड फिर आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई से और अर्थ से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये गैंट्री है, गैंट्री रोटेट होती है और गैंट्री में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके ब्रेस्ट टिश्यू की इमेजिंग करने के लिए आप क्या करते हो कि ये जो ग्रिड यहाँ पे जहाँ पे आपको दिख रही है, इसको आप पूरे जो सिस्टम है इसको ब्रेस्ट स्टैंड बोलते हैं, जहाँ पे तीन चीज़ें आ जाती हैं, ग्रिड, स्क्रीन फिल्म और फोटो टाइमर। तीन चीज़ें आ गई, इसको आप बोलते हो ब्रेस्ट स्टैंड, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ब्रेस्ट रखा जाता है। तो यहाँ पे आप ब्रेस्ट को प्लेस करोगे और उसके बाद में कंप्रेशन पैडल से, कंप्रेशन दैट मीन्स कंप्रेस करना, फोर्स करना, ठीक है। कंप्रेशन पैडल से ब्रेस्ट को कंप्रेस किया जाता है। तो कंप्रेशन पैडल की वर्किंग क्या है, ब्रेस्ट को कंप्रेशन करने के लिए। कंप्रेशन क्यों करेंगे, बिकॉज ब्रेस्ट के टिश्यू को यूनिफॉर्म करते हैं अपन यहाँ पे, ताकि उसकी जो इमेजिंग है वो अच्छे से आ सके, ठीक है। एक डायग्राम और देख लो, अगर आप ये डायग्राम बना सकते हो तो ये बना लेना, अदरवाइज एक डायग्राम और है वो बना लेना, दोनों में से एक डायग्राम बना लेना। ये रहा आपका दूसरा डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टैंड, आर्म, ठीक है। उसके बाद में आपके यहाँ पे क्या दिख रही है, एनोड असेंबली। एनोड के अंदर रोटर दिखाया इन्होंने, एक्सरे ट्यूब हो गई, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, मोलिबेडनम का स्टेम हो गया, नीचे आपकी फिल्टर्स आ गई, विंडो आ गई, ठीक है, एक्सरे बीम आ गई, कंप्रेशन पैडल और फिर नीचे आपका ब्रेस्ट स्टैंड। अगर ब्रेस्ट स्टैंड के अंदर तीन चीज़ें आ जाती है, ग्रिड, कैसेट, कैसेट के अंदर स्क्रीन और फिल्म दोनों चीज़ें होंगी और आपका फोटो टाइमर। दोनों डायग्राम में से जो डायग्राम आपको अच्छा लगे वो डायग्राम आप बना लेना। इससे आपका क्या होगा कि आगे के जो अपन कंपोनेंट्स पढ़ेंगे वो अपने को आसानी से समझ में आ जाएंगे। Thank you everyone.